नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशियोलॉजी में। दोस्तों 2023 आ रहा है और 2022 ख़त्म हो रहा है, नए साल दस्तक देने को है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल आपके घर में खूब सारी खुशियां लेकर आए, घर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वास्तु शास्त्र के हिसाब से ऐसी 6 चीज़ें हैं जिनको आपको खरीद कर लाना है। नए साल के मौके पर इन चीज़ों को घर में लाने से किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती। वास्तु शास्त्र में ऐसी कई शुभ चीज़ों का जिक्र मिलता है जिनको घर में लाने से तमाम तरह की दिक्कतें दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पहली चीज़ है चांदी का हाथी। नया साल शुरू होने से पहले घर में चांदी का हाथी जो लेकर आए, नया साल शुरू होने के बाद जनवरी माह में भी आप सोने का या चांदी का हाथी ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे रखने से राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अलावा कई चमत्कारी प्रभाव होते हैं जिसे घर में रखने से व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है। दूसरी चीज़ है धातु का कछुआ। नए साल के मौके पर घर में धातु का कछुआ जरूर लेकर आएं। वैसे तो लोग मिट्टी या लकड़ी का भी एक छोटा कछुआ लाकर घर में रख लेते हैं, लेकिन यह वास्तु शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। घर में चांदी, पीतल या कांसे की धातु से बना ही कछुआ रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है लाफिंग बुद्धा। नए साल के आगमन से पहले अपने घर में लाफिंग बुद्धा भी लेकर आ सकते हैं। घर में लाफिंग बुद्धा हमेशा उत्तर पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्याएँ दूर होती हैं। नारियल। नए साल के मौके पर घर की तिजोरी में नारियल रखना चाहिए। ध्यान रहे नारियल ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए छोटा नारियल लें, लाल कपड़े में लपेट कर इसे तिजोरी में रख दें और फिर दीपावली आने से पहले किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगली चीज़ है मोरपंख। श्री कृष्ण को मोरपंख अत्यंत प्रिय है, ऐसे में मोरपंख रखने से घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। अगर आप भी नए साल पर अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो घर में मोरपंख अवश्य लें। अगली चीज़ है तुलसी का पौधा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती और धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में अगर आपको घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नए साल के मौके पर तुलसी का पौधा जो लेकर आए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।